हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीबीआई ने सुशांत राजपूत केस की जांच तेज की। मुंबई पुलिस से सुशांत की डायरी, लैपटॉप, मोबाइल जैसे सबूत अपने कब्जे में लिए। सीबीआई ने सुशांत के रसोइये को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बांद्रा डीसीपी ऑफिस में डॉक्यूमेंट भी जुटाए। अब तक केस की जांच कर रहे जांच अधिकारी से भी जानकारी ली। सुशांत से लड़कर घर छोड़कर जाने के बाद रिया ने महेश भट्ट से की थी बात। महेश भट्ट ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। चैट के आधार पर ये दावा हुआ। एबीपी न्यूज को मिली लोनावाला के पास उस फार्म हाउस की तस्वीर जिसे सुशांत किराए पर लेते थे। लॉकडाउन की वजह से यहां रहने का प्लान टल गया था। कोरोना संकट के बीच चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस जारी की। उम्मीदवार ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकेंगे। वोटर्स की थर्मल स्कैनिंग होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने के संकेत दिए। मीटिंग में अधिकारियों से सितंबर तक काम खत्म करने को कहा। रांची में लालू यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना से बचाने के लिए ही अस्पताल से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए गए थे लालू यादव। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने ससुर चंद्रिका राय को दी गाली। कहा मेरे सामने खड़े होने की नहीं है औकात। चंद्रिका राय कल नीतीश की पार्टी में शामिल हुए। एमपी के सागर में उपचुनाव का प्रचार कर रहे मंत्री गोविंद राजपूत की सभा में लॉकडाउन के नियम टूटे। छोटे छोटे बच्चे भी यहां जुटा लिए गए। यूपी के उन्नाव में टूटे पुल से गिरकर महिला की मौत। पिछले हफ्ते एबीपी न्यूज ने पुल को बताया था खतरनाक। तब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पीपा पुल बनवाने का वादा किया था। यूपी में पुल हादसे पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले उन्नाव के साथ योगी सरकार में सौतेला बर्ताव हो रहा है। फर्जी फंड में फंसी आम आदमी पार्टी। 2 करोड़ रुपए चंदा मामले में दिल्ली पुलिस ने मनोज शर्मा और सीए को गिरफ्तार किया। फर्जी कंपनी बनाकर चंदा देने का आरोप है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारी के पीड़ित परिवार को दी 1 करोड़ की मदद। कोरोना की ड्यूटी करते वक्त गई थी सफाई कर्मचारी की जान। धोनी के बाद अब पीएम मोदी ने रैना के लिए लिखी चिट्ठी। कहा रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल आपके लिए सही नहीं, आप तो युवा हैं। रैना ने शुक्रिया कहा। पंजाब के अमृतसर में मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। गन्ना किसान न्यूनतम कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के पास चीन की नई साजिश। लिपुलेख दर्रे के पास नया मिसाइल बेस तैयार किया। सैनिकों के लिए भी बंकर बना रहा है।